पोमोडोरो प्रिंसिपल इज डोंट स्टडी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम एट वन स्ट्रेच. अगर आपको पढ़ाई करनी है मे बी से टू आवर्स सपोज एट अ स्ट्रेच, तो डोंट स्टडी फॉर कंटिन्यूअस टू आवर्स. चंक इट, डिवाइडेड इंटू फोर चंक्स ऑफ 25 मिनट्स ईच. पहले 25 मिनट पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक, देन अगेन 25 मिनट्स, 5 मिनट्स ब्रेक, देन थर्ड 25 मिनट्स, अगेन 5 मिनट्स ब्रेक, एंड नाउ लास्ट 25 मिनट्स एंड देयर आफ्टर अ ब्रेक ऑफ एटलीस्ट हाफ एन आवर. आप लोग प्लीज लिख लीजिए POMODORO, क्योंकि अगर बाद में भी आपको रेफर करना हो तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको यही पोमोडोरो प्रिंसिपल गूगल पे भी मिल जाएगा. एम इज अ क्राइम बट नॉट हाई एम्बिशन. आज हाई एम्बिशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो कहते हैं एम फॉर द स्टार्स, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू रीच द स्काइज. आज सितारों की कामना करो तभी आसमान की बुलंदियों को छू सकते हो. सर आई हैव अ क्वेश्चन दैट व्हेनेवर वी वांट टू डू समथिंग, सो सर वी थिंक दैट वी विल पुट आवर 100% इन दैट वर्क, but later on we start about the result, we expect that we will get this and we change our focus on the result, and at that time when we don't get our results, so our that palace of that all that expectation is broken, and then we think that we cannot do anything. So sir how to avoid this thing? See what happens Arush, ke hum log shuruaat jab karte hai na, whenever we begin things we have that energy, zeal, enthusiasm, vigor, but as and when the results don't start coming in or they don't happen as per our own expectations, we start giving up. Kyunki dusre teesre din se hum log give up karna shuru kar dete hain ya kuch ghanton baad se hum give up karna shuru kar dete hain, and whenever we give up, right, we are not able to achieve. Aapne Thomas Alva Edison ka naam suna hai Arush? Yes. How many times did he fail to make the light bulb? It is said he failed nearly 10,000 times. Yeah, he failed nearly 10,000 in his first 10,000 attempts. But he was persistent in his effort and he could do it. Phir agar main baat karun, were Wright brothers successful the first time they flew the airplane? Not at all. Right? They also did a meticulous effort, persistent effort, and then they were able to achieve what they achieved. Am I right? तो वही है कि परसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस. ये बात है 1903 की, राइट? तब गवर्नमेंट फंडेड एक प्रोजेक्ट चल रहा था यूएस में, जहां पे गवर्नमेंट का 50,000 यूएस डॉलर्स का फंड दिया गया था टू टॉपर्स, साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, केमिस्ट, एंड दे वर इन्वॉल्वड इन मेकिंग एन एयरक्राफ्ट. ठीक है, वो लैब में एयरक्राफ्ट बना रहे थे, और वहीं उनसे कुछ मील दूर ये स्कूल ड्रॉपआउट, यूनिवर्सिटी ड्रॉपआउट्स की टीम थी जो साइकिल की दुकान पे दे वर डूइंग द सेम थिंग. कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं, कोई फंडिंग नहीं किसी प्रकार की. ओनली थिंग वॉज उनमें कर गुजरने की इच्छा थी, दैट इज दे वर हाईली मोटिवेटेड टू अकॉम्प्लिश टास्क. एंड यू नो हु फ्लू द फर्स्ट प्लेन? राइट ब्रदर्स.